हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। ये है दोस्तों मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर ऑफ रोडर एसयूवी जिम्नी का बेस मॉडल यानी जेटा वेरिएंट, और जिसकी प्राइस जाती है 12,74,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। और मैनुअल वेरिएंट है दोस्तों, और इसकी फ्रंट प्रोफाइल डिजाइन डायनेमिक्स आप यहां पे चेकआउट कीजिएगा। काफी रोबस्ट और रेगिड फील होता है, बहुत ही जबरदस्त डिजाइन डायनेमिक्स के साथ अवेलेबल है। और इसके फ्रंट प्रोफाइल में हेडलाइट यूनिट में दिया गया है हैलोजन बल्ब, हाई बीम, लो बीम और साथ में टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। और नीचे फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं आता है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। सबसे अट्रैक्टिव इसका फ्रंट ग्रिल है, जो कि यहाँ पे ग्रे फिनिश में दिया गया है। बीच में 5 वर्टिकल स्लैश दिए गए हैं क्रोम फिनिश में, जो कि वेस वेरिएंट में भी आपको मिलते हैं। बीच में सुजुकी का लोगो दिया गया है और फ्रंट ग्रिल बहुत ही एनहांस कर देते हैं इसके लुक को। और वहीं फ्रंट बम्पर इसमें ब्लैक कलर का दिया गया है, और यहाँ पे आपको वॉशर नहीं दिया गया है, जो कि टॉप इन वेरिएंट में आपको मिलता है अल्फा वेरिएंट में। फ्रंट बम्पर ब्लैक कलर में बहुत ही बल्कि सा यहाँ पे डिजाइन दिया गया है। एयर डैम आपको ब्लैक कलर में, स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। और ये कलर ऑप्शन आप देख पा रहे हो, ये है ब्लूइस ब्लैक कलर। सबसे ज्यादा यही कलर पसंद कर रहे हैं, काफी अच्छी खासी लुक दे रही है ये। और यहाँ पे साइड प्रोफाइल से देखने में चारों ओर बहुत ही बल्कि सा बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को काफी हद तक बढ़ा रहे हैं दोस्तों। वहीं ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में प्रोवाइड किया गया है। और जहां तक ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक अवेलेबल कराया गया है। सस्पेंशन फ्रंट और रियर में 3-लिंक रिजिड एक्सल टाइप विद कॉइल स्प्रिंग प्रोवाइड किया गया है। और इस गाड़ी की जो टर्निंग रेडियस है 5.7 मीटर्स है, और इसकी जो डाइमेंशंस है साइड प्रोफाइल में चेकआउट कीजिएगा। और वहीं इसके साइड प्रोफाइल में दोस्तों 15 इंच के स्टील व्हील प्रोवाइड किया गया है, और यहां पे व्हील कवर नहीं मिलते हैं कुछ इस तरह का। और व्हील साइज है 195/80R15। ब्रिज स्टोन का टायर प्रोवाइड किया गया है, ब्रॉड व्हील आर्च, और यहाँ पे टर्निंग रेडियस दिया गया है फेंडर पे। और वहीं ORBM की बात करें तो ब्लैक कलर का दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल इस वेरिएंट में नहीं आता है। फ्रंट में वाइपर, रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है, चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल काफी बॉक्सी डिजाइन दिया गया है, काफी रोबस्ट रगेड फील होता है रियर प्रोफाइल से भी, काफी जबरदस्त लुक आ रहा है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। खासकर ब्लूइश ब्लैक कलर में ये काफी शानदार लग रहा है। और इसके रियर प्रोफाइल में यहाँ पे टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया गया है, बहुत ही शानदार। व्हील साइज भी वही रहने वाला है। और सबसे ऊपर आपको रियर प्रोफाइल में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वॉशर दिया गया है, डिफॉगर मिलते हैं, रियर वाइपर भी मिलते हैं। काफी शानदार इसका रियर प्रोफाइल, यहां से भी चेकआउट कीजिएगा, काफी जबरदस्त लग रहा है, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों। और रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर राइट साइड आपको एंटीना दिया गया है कुछ इस तरह का बेस मॉडल में, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बेस मॉडल में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है दोस्तों। और रियर प्रोफाइल में यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल ब्लैक कलर में, और जिम्नी की बैचिंग टेल गेट के लेफ्ट साइड दिया गया है, एक बार नजदीक से दिखा देता हूँ। और वहीं यहाँ पे स्पेयर व्हील टेल गेट माउंटेड, जैसे कि आप यहाँ पे जिम्नी की बैजिंग देख पा रहे हो। और राइट साइड ऑल ग्रिप का ऑप्शन दिया गया है, सभी वेरिएंट में आपको 4x4 का ऑप्शन मिल जाता है। और रियर बम्पर यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग के रूप में, और रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं नंबर प्लेट की जगह, और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलते हैं आपको बेस वेरिएंट में भी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए 4। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेंटर लॉकिंग दिया गया है, ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर। ऑल ब्लैक थीम दिया गया है, ग्रैब हैंडल यहाँ पे काफी टफ प्लास्टिक का यूज किया गया है, बोटन होल्डर ना के बराबर मिलते हैं, मैगजीन पॉकेट जरूर मिलते हैं यहाँ पे। चारों डोर पे 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं डैशबोर्ड लेआउट की। ऑल ब्लैक डैशबोर्ड लेआउट, बहुत ही टफ यहाँ पे प्लास्टिक का यूज किया गया है। और स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड कुछ बटन्स दिए गए हैं, जो कि आपको नजदीक से दिखाने वाला हूं। आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलैम्प लेबलर, और इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। और यहां पे ORBM के कंट्रोल, और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको दिया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं सेंटर कंसोल में क्या क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 कप होल्डर पैसेंजर्स के लिए, यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल,
और ऑल ब्लैक में आपको हैंड ब्रेक दिया गया है, और इसमें भी आपको 4x4 का ऑप्शन, 2x4 आप यहां पे लगा सकते हो दोस्तों ऑफ रोडिंग के टाइम पे। और जस्ट इसके आगे आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। 12,74,000 वाली ये वेरिएंट है दोस्तों, मैनुअल वेरिएंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जस्ट इसके आगे आपको को पैसेंजर साइड एंड ड्राइवर साइड 1-touch पावर विंडो मिलता है, हिल डिसेंट का बटन दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, उसके ऊपर आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, टॉप इन वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। जस्ट उसके ऊपर आपको एसी वेंट, हजार्ड लैंप मिल जाता है, 7-inch का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग दिया गया है, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, बीच में एमआईडी दिया गया है, ड्राइव असिस्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है दोस्तों। और इसमें 3-spoke टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल और राइट साइड क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्लोव बॉक्स कुछ इस तरह, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। और इस वेरिएंट में भी आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है, वहीं सेंटर में दिया गया है आपको डे नाइट IRBM, और यहाँ पे दिया गया है कैबिन लाइट हैलोजन बल्ब के रूप में, वॉइस रिकॉग्निशन की सुविधा, ड्राइवर साइड भी यहाँ पे वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है, और दोनों राउंड शेप आपको एसी वेंट दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और बेस वेरिएंट में आपको स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड आपको कोई भी बटन नहीं मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल आपको टॉप इन वेरिएंट में मिलता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की, ओपन कर लेते हैं रियर डोर, और यहाँ पे ऑल ब्लैक थीम दिया गया है, यहाँ पे आपको मैगजीन पॉकेट भी नहीं दिया गया है, कुछ इस तरह मैनुअली आप अप डाउन कर सकते हैं विंडो के कंट्रोल को। वैसे पावर विंडो के कंट्रोल सेंटर कंसोल में दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की, जैसे कि ये 4-seater SUV है दोस्तों, इसमें 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन 5वें बंदे के लिए यहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड लेआउट बेस वेरिएंट का कुछ इस तरह दिखता है, बहुत ही शानदार। और इसके अलावा चारों ओर नजर घुमाएं तो यहाँ पे फिक्स्ड ग्रैब हैंडल दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं ड्राइवर सीट को छोड़कर। लेग रूम का भी अच्छी खासी दिया गया है, हेडरूम में भी कोई दिक्कत नहीं है, शोल्डर रूम में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। यहाँ पे कैबिन लाइट दिया गया रियर पैसेंजर्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की, और ये लेफ्ट टू राइट ओपन होता है कुछ इस तरह, हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 50-50 स्प्लिट होता हुआ रियर सीट इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को स्प्लिट करके, और यहाँ पे आपको 208 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है इस SUV में। और लेफ्ट साइड आपको बूट लैंप दिया गया है जिसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो अपने जरूरत के हिसाब से, और आप यहां पे आइडिया ले सकते हैं कितना आपका लगेज यहां पे आ सकता है दोस्तों। चलिए बंद करते हैं और बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। प्रोवाइड क्या गया है, BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लायंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15B पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 103 BHP की पावर एंड 134 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इसमें मिलते हैं 5-speed मैनुअल एंड 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और कंपनी क्लेम करती है दोस्तों 16.3 km/h। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी जिम्नी जेटा बेस वेरिएंट में मिलते हैं आपको 6 एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट, एंकरेज, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 3 points, इमरजेंसी लॉकिंग, रिट्रैक्टेबल सीट बेल्ट्स, ब्रेक लिमिटेड स्लीप डिफरेंशियल, रिटेस्टर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, इंजन चेकिंग वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों मारुति सुजुकी जिम्नी का बेस वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपेरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।